अक्सर कहा जाता है रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। यूं तो क्रिकेट के हर खेल में ना जाने कितने रिकॉर्ड्स बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं जो शायद ही फिर कभी टूट पाए। आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट जगत के कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें तोड़ पाना लगभग असंभव है। यदि आप भी एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो यकीनन इस वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है। चलिए आज की रोचक वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मैक्सिमम एवरेज। सर डॉन ब्रैडमैन को एक करिश्माई बल्लेबाज के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने करियर में केवल 52 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 7996 रन बनाए और ये रन उन्होंने 99.94 की औसत के साथ बनाए थे। इस दौरान डॉन ब्रैडमैन ने 29 शतक लगाए थे जिनमें 12 दोहरे शतक थे। उनके नाम सबसे शानदार बैटिंग एवरेज का रिकॉर्ड दर्ज है जिसे तोड़ पाना आज के किसी भी बल्लेबाज के लिए असंभव है। डॉन ब्रैडमैन के नाम ही सबसे अधिक दोहरे शतक का रिकॉर्ड भी दर्ज है। एवरेज के मामले में उनके बाद स्टीव स्मिथ का नाम आता है जिनकी बैटिंग एवरेज 61.37 है। पहले और दूसरे स्थान की बैटिंग एवरेज में कितना फर्क है आप देख सकते हैं। 25 फरवरी साल 2001 को सर डॉन ब्रैडमैन का निधन हो गया था। नंबर 9, 3 ICC ट्रॉफी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विश्व के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी कप्तानी में किसी भी टीम ने ICC की तीनों चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने साल 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। यह रिकॉर्ड ना टूटने की कई वजह है। पहली वजह तो ये कि साल 2017 में ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी को रद्द करने का फैसला कर लिया था। हालांकि 8 साल बाद 2025 में ICC ने एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी कराने का फैसला किया है, लेकिन शायद ही विश्व में ऐसा कोई कप्तान होगा जो तीनों फॉर्मेट में अपनी टीम को जीत दिला पाए, इसलिए MS धोनी का ये रिकॉर्ड टूट पाना काफी मुश्किल है। नंबर 8, 19 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच। एक टेस्ट मैच में क्या कोई गेंदबाज 19 विकेट ले सकता है? आपको लग रहा होगा ये तो नामुमकिन काम है, लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जिम लेकर ने कर दिखाया था। सन 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में जिम लेकर ने पहली पारी में 9 विकेट झटके थे। उस समय उनके मन में एक बार तो ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश वो 10वां विकेट भी उन्हें मिल जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो मायूस नहीं हुए और दूसरी पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। हालांकि सन 1999 में अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए थे और कुछ समय पहले न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत के 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जिम लेकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गेंदबाज को टेस्ट मैच की दोनों पारी में 10-10 विकेट लेने होंगे जो लगभग असंभव सा है। नंबर 7, मोस्ट विकेट्स इन इंटरनेशनल करियर। श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन ने अपने करियर में 1347 अंतरराष्ट्रीय विकेट झटके। मुरलीधरन के अलावा शेन वॉन ही एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 विकेट लेने का आंकड़ा पार किया है। शेन वॉन के नाम 1001 विकेट दर्ज है जो मुरलीधरन से काफी कम है। मुरलीधरन ने कुल 495 अंतरराष्ट्रीय पारियां खेली है जिसमें उन्होंने 800 टेस्ट विकेट, 534 वनडे विकेट और 13 T20 विकेट अपने नाम किए हैं। मुथैया मुरलीधरन ने सन 1992 में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी और शुरुआती दिनों में उन्हें अपने गेंदबाजी एक्शन के कारण कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन समय के साथ मुरलीधरन ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया और एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया जिसे तोड़ पाना आज के समय के किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं है। नंबर 6, 21 कंसेक्यूटिव मेडन ओवर्स। रमेश चंद्र गंगाराम बापू नाडकर्णी सन 1955 से लेकर 1968 तक भारतीय टीम का हिस्सा रहे। उन्हें उनकी किफायती बॉलिंग के लिए जाना जाता है। सन 1964 में इंग्लैंड के खिलाफ मद्रास में हुए एक टेस्ट मैच में बापू नाडकर्णी ने लगातार 21 मेडन ओवर फेंके। उन्होंने इस टेस्ट मैच में कुल 32 ओवर किए जिसमें केवल 5 रन उन्होंने दिए। इस दौरान 27 ओवर उनके मेडन थे और इसमें से करीब 131 गेंदों तक उन्होंने बल्लेबाजों को कोई रन बनाने का मौका नहीं दिया। आज के आधुनिक क्रिकेट को देखते हुए ये रिकॉर्ड तोड़ना भी लगभग असंभव है। बापू नाडकर्णी ने कुल 41 मैच में केवल 88 विकेट लिए, लेकिन इस दौरान उन्होंने प्रति ओवर 2 से भी कम रन दिए। नंबर 5, 100 सेंचुरीज। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने जब संन्यास लिया तो हर क्रिकेट प्रेमी की आंखें नम थी, लेकिन इसी के साथ हर किसी के भीतर एक खुशी भी थी क्योंकि सचिन ने एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया था जिसे तोड़ पाना किसी भी क्रिकेटर के लिए संभव नहीं होगा। सचिन के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक शामिल है। उन्होंने कुल 49 ODI और 51 टेस्ट शतक लगाए थे।
फिलहाल सचिन के आसपास भी कोई अन्य बल्लेबाज नजर नहीं आता। सचिन के बाद रिकी पोंटिंग और विराट कोहली का नाम आता है, जिनके नाम 71-71 अंतर्राष्ट्रीय शतक दर्ज हैं। लेकिन रिकी पोंटिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और विराट कोहली के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि विराट सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो इससे कुछ इनकार करते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या विराट सचिन के 100 शतक का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अपना जवाब हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सचिन के नाम सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रनों का रिकॉर्ड भी है, जिन्होंने अपने करियर में 34,357 रन बनाए हैं। नंबर 4, स्मॉलेस्ट टेस्ट मैच। आज के आधुनिक क्रिकेट के कारण टेस्ट मैच की लोकप्रियता काफी कम हो गई है। पहले जहां टेस्ट मैच 5 दिन चला करते थे, आजकल 1-2 दिन में ही टेस्ट मैच का रिजल्ट आ जाता है। कई बार तो मैच 2 दिन में ही समाप्त हो जाता है, लेकिन क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच 5 घंटे और 53 मिनट में समाप्त हो गया। ये मैच सन 1932 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम 154 रन भी बना पाई। दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उत्तरी दक्षिण अफ्रीका की टीम महज 45 रन पर ही सिमट गई और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 1 पारी और 72 रनों से जीत लिया। नंबर 3, लॉन्गेस्ट टेस्ट करियर। इंग्लैंड के सबसे महान ऑलराउंडर्स की सूची में शुमार विल्फ्रेड रूट्स के नाम सबसे लंबा टेस्ट करियर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 30 साल 315 दिन तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। इतना ही नहीं, विल्फ्रेड के नाम सबसे अधिक उम्र में टेस्ट मैच खेलने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने सन 1930 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 52 साल और 165 दिन की आयु में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला। नंबर 2, 400 रन इन इनिंग। ब्रायन लारा का नाम भी सदी के महान तम क्रिकेटरों की सूची में शुमार है। वेस्ट इंडीज के इस बल्लेबाज ने साल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की 1 पारी में नाबाद 400 रन बनाए। ये रिकॉर्ड तोड़ पाना आज के समय के किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल है। आज के समय में टेस्ट क्रिकेट में पूरी टीम भी 400 रन नहीं बना पा रही है। ऐसे में व्यक्ति खिलाड़ी से 400 रन बनाने की उम्मीद करना किसी बेईमानी की तरह होगा। हालांकि एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड ग्राहम गूच के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1990 में भारत के खिलाफ एक मैच में 456 रन बनाए। पहली पारी में ग्राहम ने 333 और दूसरी पारी में 123 रन बनाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। नंबर 1, 2 हैट्रिक इन अ सिंगल डे। किसी भी गेंदबाज के लिए हैट्रिक लेना यानी 3 बॉल पर लगातार 3 विकेट लेना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इतिहास में आज तक केवल एक गेंदबाज ऐसा हुआ है जिसने एक दिन में 2 हैट्रिक लेने का कारनामा किया था। सन 1912 में इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच एक त्रिकोणीय टेस्ट सीरीज चल रही थी। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत गेंदबाज जिमी मैथ्यूज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में हैट्रिक ली थी। कम रन होने के कारण साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन दिया और उसी दिन दूसरी पारी में भी जिमी मैथ्यूज ने 3 बॉल पर 3 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया। तो ये थे क्रिकेट इतिहास के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन ही नजर आता है। हालांकि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और मैदान पर कौन सा रिकॉर्ड बन जाए या टूट जाए इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जिनकी बराबरी करना या उन्हें तोड़ पाना मुश्किल है। अगर आप इन वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए सेकंड पार्ट। धन्यवाद।